अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज आपके हो चुकी है 14 नवंबर 2019 की हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सावधान बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, क्या है बड़ी अपडेट इसको देखते हैं। आज होनी है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2019 में आज आपकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या है पूरा मामला? यूपी टीटी में आरक्षण का लाभ ना देने का मामला पहुंचा कोर्ट के द्वार, जबकि एससी एसटी ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों को दी गई अंकों में 5% की छूट। सुनवाई 14 नवंबर को होगी। तो दोस्तों आज आपकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो समझेंगे पूरा मामला। आखिर पूरा मामला है क्या, क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, की और आपको बता दें कि क्या आने वाले समय में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक सवाल काफी बच्चों का आ रहा था। क्या अभी तो फिलहाल है, हम मानते हैं कि 2019 में है, क्या वो 2020 2021 के आने वाले टाइम में कभी ऐसा हो सकता है या नहीं? काफी बच्चों के ऐसे सवाल आ रहे थे। दोस्तों देखिए, सवाल आने का रीजन क्या है? सवाल दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सरकार चेंज होती है, दोस्तों देखिए समय आपकी योगी सरकार है फिलहाल, उन्होंने तो ये रूल कर दिया कि आने वाले समय में जब सरकार चेंज होगी तो क्या बीएड को बाहर किया जा सकता है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। और फिर दोस्तों बात होगी क्या आने वाले समय में डीएलएड के बच्चों को टीजीटी पीजीटी का मौका दिया जा सकता है या जाएगा, एक और सवाल, क्योंकि काफी बच्चों ने डीएलएड के बच्चों ने मांग की है कि डीएलएड के बच्चों को भी टीजीटी पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें मौका दिया जाए, क्योंकि दोस्तों वहां पर 40,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। अगर मौका दिया जाता है डीएलएड के छात्रों को तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि 40,000 बच्चे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे खुशखबरी। अब गांव से शहर नगर में हो सकेंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले, जल्द होगा नियमावली में संशोधन। जी हाँ दोस्तों, गांव से नगर और नगर से गांव, तो दोस्त ये रहा अब होगी आसान जो पहले नहीं होता था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में नए सर्वर पर होगा काम, योजनाओं को गति देने के लिए एनआईसी से होगा अलग, उसके अपडेट्स भी देखेंगे। प्रदेश के हर सरकारी प्रसदीय विद्यालयों में होगी पोषण वाटिका, बेसिक स्कूलों की खाली पड़ी जमीन पर बच्चों की मदद से फल व सब्जी उगाने की योजना, मिलेंगे 5,000 रुपए प्रति स्कूल, ऐसे होगा योजना का संचालन। तो दोस्तों अब आपके स्कूल में भाई आप लोग को फल और सब्जी उगाना सीखना पड़ेगा, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर आपको अपने जिस स्कूल में जहाँ नौकरी लगेगी आप लोग थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी उगाएंगे, ठीक है ना। सब्जी की इससे पहले अपडेट हम दे चुके हैं लेकिन आज फिर एक अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए आज कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए दोस्तों की और हम बता दें इस वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जरूरी है क्योंकि हमने आपको बोला था सावधान बड़ी अपडेट। देखिए यूपी टेट 2019 में अभी से कोर्ट के चक्कर में दोस्तों लग चुका है, मतलब कोर्ट के चक्कर में फंस चुका है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों काफी बच्चे होंगे जो सीटेट 2019 का भी फॉर्म भर रखे होंगे, तो आप लोग सीटेट को ज्यादा सीरियसली लीजिए, क्योंकि सीटेट में किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता, उसका रिजल्ट बिल्कुल टाइमली आता है। और यूपी टेट में दोस्तों भले आपका प्रस्तावित है कि आपका 21 जनवरी 2020 तक आपका रिजल्ट आना है, दोस्तों इसमें लेट भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज ही आपको बता रहे हैं इसमें रिजल्ट आने में देरी हो सकती है लेकिन सीटेट में देरी नहीं होगी। तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए भी लग जाइए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में कोई अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है जल्दी से, ठीक है उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यूपी टेट का अगर आप भरोसे बैठे। तो फिलहाल वैसे देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों वही बात होती है ना, अब मामला आपका कोर्ट में जा चुका है, आपकी पिछली कितनी शिक्षक भर्ती जो कोर्ट केसेस के चक्कर में काफी स्लो हो चुकी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आखिर कोर्ट में आप मामला क्या है। देखिए हुआ क्या है, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी है जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यूपी टेट 2019 में आर्थिक पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पांडे व अन्य की याचिका पर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर, जी हां दोस्तों आज की डेट है। याचिका में कहा गया है कि संसद ने संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की है, और इसकी अधिसूचना दोस्तों जो आपकी 18 फरवरी 2019 को जारी की जा चुकी है और कानून भी प्रभाव में आ चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से जारी यूपी टेट 2019 के विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है,
जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंक में 5% की छूट प्रदान की गई है। कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जारी यह विज्ञापन 18 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना के विपरीत है। याचिका के अनुसार यूपीटेट 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2019 से ऐसे में अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वह स्वयं भविष्य अंधकार में पा रहे हैं। ठीक है, स्वयं का भविष्य अंधकार में पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यही बात होती है ना, देखिए हर पेपर में ये सब अपडेट आ रही है। टेट 2019 में आर्थिक आरक्षण लागू न करने पर जानकारी तलब, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही बात कही गई। तो देखिए दोस्तों, बात वही होती है यार कि एक गलती किसी की होती है, नुकसान बच्चे भुगतते। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, अगर आपने सीटेट का फॉर्म भी भर रखा है पैरेलल, ठीक है, तो उसकी आप तैयारी अब जोर से करिए। यूपी टेट तो अच्छी चीज है ही है, मान लेते हैं अगर यहाँ कोर्ट केस में मामला चलता रहा तो आप अपना सीटेट का पेपर कम से कम अच्छा दे के उसको क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, इसका पेपर एक तो पहले बाद में भी होने वाला है, 22 दिसंबर को होगा, पहले आपका पेपर सीटेट का ही होगा। तो सीटेट का पेपर दोस्तों आपका 8 दिसंबर को होने वाला है, तो आप उसके लिए अब ज्यादा अच्छे से लग जाइएगा। यूपी टेट को पढ़िएगा लेकिन थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर सीटेट खराब हो गया तो ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो सीटेट के साथ यूपी टेट भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पहले आप सीटेट को प्रायोरिटी दीजिए बस। तो दोस्तों इसीलिए हमने बोला भाई सावधान, कि अगर आप यूपी टेट के भरोसे सिर्फ बैठे हैं कि यूपी टेट को ज्यादा आप सीरियसली ले रहे हैं तो लीजिए दोस्तों, सही बात है, लेकिन आप 8 के बाद भी यूपी टेट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपका पेपर सीटेट का होने वाला है। मेन बात पता क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर कोर्ट केसेस बहुत होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप सीटेट को ज्यादा अभी भाई तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगी बाद में, कि जब आपके सभी दोस्तों का रिजल्ट सीटेट का आ जाएगा, आप लोग बैठे रहेंगे इंतजार में कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि एक बार मामला जब कोर्ट में चला जाता है ना, फिर दिक्कतें बहुत आती हैं। और दोस्तों इस बार जो मामला कोर्ट में गया है वो बिल्कुल सही मामले के लिए गया, मतलब सही चीज के लिए गया, तो यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई भाई कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, ये तो बात श्योर है। और देखते हैं 20 नवंबर से पहले होता है कि 20 नवंबर के बाद होता है। अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल जो आपका आ रहा था, क्या आने वाले टाइम में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो सकता है या नहीं। देखिए कानून फिलहाल बन चुका है, अब सरकार के पास ये पावर तो है ही है, तो बीएड को अंदर कर सकती है तो बीएड को बाहर भी डेफिनेटली कर सकती है। अब कौन सी सरकार आती है दोस्तों, वो सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। सिंपल सी बात है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि पहले तो दोस्तों बीएड था नहीं। देखिए दिक्कत पता कहाँ पर आई है, अभी तो ठीक चल रहा है, जब डीएलएड के बच्चे टीजीटी पीजीटी की मांग करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। डीएलएड वाले बच्चे भी तो कहेंगे यार हमें मौका दो, नहीं तो दोस्तों सही बात है, डीएलएड का नुकसान बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अगर डीएलएड के बच्चों को उसमें मौका मिल जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब इश्यू क्लियर हो जाएगा। अगर डीएलएड के बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा फिर दोस्तों हो सकता है कि ये मांग आगे चलकर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, नहीं तो फिर डीएलएड का भविष्य अंधेरे में रहेगा या आने वाले समय में डीएलएड समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि कोई करेगा ही नहीं। आपको तो पता ना बीएड करने से फायदे कितने ज्यादा हो रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई सभी बच्चे बीएड ही करेंगे, डीएलएड कोई नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम में डीएलएड बंद भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों सभी बच्चे मांग तेज कर चुके हैं डीएलएड के छात्र भी, कि या उनको टीजीटी पीजीटी में मौका दिया जाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों दूसरा मांग रहेगा बीएड को शिक्षक भर्ती से बाहर करूं। ठीक है, दो ही मामले हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम में जब सरकार चेंज होगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। फिलहाल इस सरकार में आपको कोई दिक्कत नहीं है बीएड के छात्रों को, लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये बात श्योर है, केस ओपन है दोस्तों। देखिए अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने की मांग चल रही है। ठीक है, डीएलएड के बच्चों ने केस कर रखा है बीटीसी के छात्रों ने, कि शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो बीएड वाले बच्चे भी भाई जमकर डटे हुए हैं कि नहीं ऐसा कुछ, देखिए फिलहाल वो केस बहुत ही नॉर्मल चल रहा है लेकिन हो रखा है, ये बात तो श्योर है। तो ये सब केसेस दोस्तों होते रहते हैं, तो कभी ना कभी यार कोर्ट क्या फैसला सुना दे, कभी कभी होता है ना कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ जाए तो बच्चों को ही नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं आज की सुनवाई की दोस्तों, सारी अपडेट आपको हम दे देंगे, लाइव अपडेट दे देंगे कि आज आखिर कोर्ट में हुआ क्या, जो बच्चे इंतजार में बैठे हैं। देखिए मेन बात क्या है ना, ये कोर्ट की सुनवाई हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, जितने बच्चों ने अभी तक आवेदन कर दिया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कोर्ट की सुनवाई सच में आपके लिए जरूरी इसलिए हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोर्ट की अपडेट होनी चाहिए दोस्तों, आखिर कोर्ट में हो क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों एक और अच्छी अपडेट, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, गांव से नगर में हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षकों की बेतरतीब तैनाती से जूझ रहे राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा की शिक्षा के स्थानांतरण नीति में दिलचस्पी दिखाई है।
हरियाणा मॉडल को अपनाने पर प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों के तबादले गांव से शहर और शहरी क्षेत्र से गांव के विद्यालय में हो सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम और अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा। प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सवर्ग अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत ग्रामीण क्षेत्र से नगर और शहरी इलाके से देहात स्कूलों में शिक्षकों का तबादला नहीं हो सकता है। इस विभाजन के चलते प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों की बेतरतीब तैनाती और घोर असमानताएं पैदा हुई। इस समस्या के निदान के लिए योगी सरकार हरियाणा की शिक्षा की स्थानांतरण नीति का अध्ययन कर रही है। स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक मांग समानता और पारदर्शिता के आधार पर बनाई गई इस स्थानांतरण नीति के तहत किए जाने वाले तबादलों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। दोस्तों, हरियाणा की शिक्षा की स्थानांतरण नीति के तहत जिला मुख्यालय से दूरी के आधार पर हर जिले के स्कूल 7 जोन में बांटे गए हैं। शिक्षक को सेवा काल के दौरान सभी जोन में सेवाएं देनी होगी। 5 साल बाद शिक्षक का तबादला अनिवार्य रूप से दूसरे जोन में कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा भाई हरियाणा की शिक्षक नीति। तो मतलब आपका बार बार ट्रांसफर होता रहेगा हर 5 साल पर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हर सरकारी प्राइमरी स्कूल में होगी पोषक वाटिका। तो चलिए दोस्तों, जब आपके आने वाले टाइम में नौकरी लग जाएगी तो आप लोग जाएंगे सब्जियां उगाएंगे और जो भी उगाना हो दोस्तों, फल फूल हो गया। देखिए कौन कौन सी सब्जी दोस्तों, जैसे फलों में आपका हो जाएगा तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। सब्जियों में भिंडी, साग, तरोई, टमाटर, प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि उगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों ये निर्देश हो चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये फाइनल फैसला है, नौकरी करनी है तो ये सब करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में दोस्तों भाई सरकार बहुत सख्त होने वाली है। जो मिड डे मील बनता है उसमें काफी खर्चा होता है, तो सोच रहे हैं कि भाई स्कूल में जो खाली जमीन पड़ी है तो उसी से कुछ आप लोग करें, और आपको उगाना पड़ेगा। देखिए टीचर भले बहुत पैसे मार जाते हैं और प्रधान मिलकर गांव के बच्चों का, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप ही को दोस्तों नौकरी खतरे में रहेगी। आप 40,000 किया तो नौकरी आप खतरे में डाल दीजिए। 40,000 सैलरी तो मिनिमम है आज के दिन टीचर की, तो वो सब ध्यान देना वाली बात है दोस्तों। चलिए ठीक है, जैसे भी कोर्ट की आज अपडेट निकल कर आएगी, हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे आखिर कोर्ट में क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।